नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। जहां से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश की सरकार पर आज करारे प्रहार किए। कुशवाहा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जुगल किशोर कुशवाहा के पार्टी में शामिल होने के अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्यसभा सांसद ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, जाति उन्माद चरम पर है, गरीबों मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हुआ है, सारी व्यवस्थाएं पूरी तरह से ध्वस्त पड़ी हुई हैं, सामान्य वर्ग हो या गरीब वर्ग, हर वर्ग बुरी तरह से परेशान है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को हटाने में सक्षम है और आने वाले विधानसभा के चुनावों में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी अपनी सरकार बनाकर इस सरकार में पीड़ित और परेशान लोगों को न्याय दिलाने का काम करेगी। इस दौरान समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जुगल किशोर कुशवाहा ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी में रहकर उन्होंने उम्मीद लगाई थी कि मान्यवर कांशीराम के पिछड़े कमजोर और दलित वर्गों के उत्थान के लिए चलाए जा रहे आंदोलन को बसपा सुप्रीमो और निर्णायक लड़ाई तक ले जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और आंदोलन ने दम तोड़ दिया। इस कारण वो पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। इस अवसर पर पूर्व गरौठा विधायक दीप नारायण सिंह यादव सहित अन्य सपाई मौजूद रहे। नेताजी, कई पार्टियों के लोग जिस तरह सपा में आ रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो अंतर्कलह है तो उसके लिए सब कैसे एडजस्ट हो रही है? देखिए, आज मौजूदा समय में जो उत्तर प्रदेश का माहौल है, हर आदमी ये महसूस कर रहा है कि उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार हर मोर्चे पे विफल हो गई। आज कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, जंगल राज है, लूट, बलात्कार, डकैती, हत्या जैसे मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते चले गए। दूसरी तरफ लोगों को रोजगार देने की जो बात सरकार कह रही थी, सरकार पूरी तरीके से विफल हो गई। जो विकास के काम होने चाहिए, विकास के काम, एक भी विकास का काम नहीं हुआ। जो माननीय अखिलेश यादव जी ने काम किए थे, उन्हीं पर पत्थर लगा के, उन्हीं का उद्घाटन करके और श्रेय लेने का प्रयास किया। जो गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, शोषित लोग थे, जिनकी मदद के लिए सरकार होती है, उनके साथ आज अन्याय, अत्याचार हो रहा है, उनको उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है। इन परिस्थितियों में तमाम लोग जो विभिन्न आंदोलनों से जुड़े हुए थे, लंबे समय से इन गरीब लोगों की, कमजोर लोगों की, अल्पसंख्यक लोगों की लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने ये महसूस किया है कि मौजूदा सरकार के लिए जो 2022 में विकल्प होना चाहिए, और उन्होंने महसूस किया कि विकल्प माननीय अखिलेश यादव जी हो सकते हैं, और लोगों ने समाजवादी पार्टी में शामिल होने का सिलसिला जो है चल गया है। उसी सिलसिले के तहत हमारे भाई जुगल किशोर कुशवाहा जी आज ये समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। आज उनका स्वागत हो रहा है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, और हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले 2022 में जिस तरीके से माहौल बन रहा है, जिस तरीके से लोग तैयार हो रहे हैं, तो सरकार की विफलता है वो विभिन्न समुदाय के लोग एकजुट होकर के माननीय अखिलेश यादव को जो है विकल्प मान करके और वोट करेंगे, तो निश्चित रूप से 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। जहाँ तक आप कह रहे हो, मैं नहीं समझता कि समाजवादी पार्टी में कोई कहीं कलह है, कोई बात है। सारे लोग समाजवादी पार्टी के एकजुट हैं, एकजुट होकर के समाजवादी पार्टी के लोग काम करते हैं। जो हाईकमान का निर्णय है, उस निर्णय को मानने के लिए सारे लोग तैयार रहते हैं। हम सब एक हैं और एकजुट होकर के 2022 में उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव की सरकार बनाने का काम करेंगे। मैं समाजवादी पार्टी में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष बिना शर्त समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ हूं, क्योंकि हम लोग काफ़ी समय से जिस आंदोलन को गति दे रहे थे, महापुरुषों ने समय समय पर इस आंदोलन को बढ़ाया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने, मान्यवर काशीराम साहब ने, डॉक्टर लोहिया जी ने, उस आंदोलन की गति रुक गई थी और हमने देखा कि इस देश और प्रदेश में हालत बहुत गंभीर है। इस आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों को, दलितों को, सभी को छलने का काम किया है।
आज बेरोजगार सड़कों पे घूम रहे हैं, जो रोजगार कर रहे हैं उनको भी रोजगार से हटा करके बेरोजगार किया जा रहा है। यदि हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम नहीं किया तो आगामी आने वाले साल में वर्षों में बेरोजगार सड़कों पे घूमते दिखाई देंगे और जो रोजगार कर रहे हैं वह भी सड़कों पे घूमते दिखाई देंगे। तब हमने अखिलेश जी के सामने उनकी नीतियों में आस्था व्यक्त करते हुए कि हमें अपने कुशवाहा समाज को और अति पिछड़े समाज को, दलित समाज को, अल्पसंख्यकों को जोड़ करके इतने भारी बहुमत से अखिलेश जी को जिताना है और सीएम बनाना है, क्योंकि वही पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो जब सरकार बनेगी तो निश्चित ही रोजगार मिलेगा। आज व्यापारी परेशान है, आज किसान परेशान है, आज हर तबका परेशान है। इन्होंने सबको धोखा दिया है, झूठे वादे करके सरकार चल रही है। आज ये कहते हैं हम महिलाओं का सम्मान करेंगे, आप देख रहे होंगे कि महिलाओं का कितना अपमान हो रहा है। एक अकेली रिया को लेकर के पूरा हिंदुस्तान उसके ऊपर पूरी महिला को टॉर्चर कर रहे हैं। आप एक विधायक भाजपा का होकर के उसको लेकर के क्या क्या शब्द कह रहा है, क्या कहना चाहिए, क्या न्यायालय ने उसको अपराधी घोषित कर दिया है? नहीं किया है। तब इसके कहां गई महिला आयोग, कहां गए? और आयोग उसको किसी ना किसी प्रकार से महिलाओं के एक अपमान करने की कोशिश की जा रही है इस रिया के नाम पर। और महिलाओं को जो सम्मान की बात करें वो अपमान करने का काम कर रहे हैं। जो रोजगार देने की बात कर रहे हैं, 2 करोड़ हर साल बेरोजगार हो रहा है, 2 करोड़ देने का वायदा किया था, वह रोजगार देने तो नहीं रहे हैं। आज हत्याएं, लूट, डकैती, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। और उसको पूरा का पूरा अगर रोक सकते हैं तो हमारे अखिलेश जी थे, और अखिलेश जी को हम मुख्यमंत्री बनाने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। हम एक सिपाही के रूप में पूरी ताकत लगा देंगे कि 2022 में मुख्यमंत्री अखिलेश नारायण यादव जी बने। कुशवाहा जी,